आरपीआई उत्तर भारतीय आघाड़ी के उत्तर पश्चिम जिला सचिव शंकर गुप्ता द्वारा लगातार पार्टी के कद को बढ़ाने को लेकर उत्तर भारतीयों को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसकी तारीफ उत्तर भारतीय आघाड़ी के मुंबई अध्यक्ष हरिहर यादव ने भी की। शंकर गुप्ता ने उत्तर भारतीय आघाड़ी के कार्यकर्ताओं से समय पर सदस्यता शुल्क भरने का आह्वान किया है और यह जानकारी भी दी कि यदि समय पर सदस्यता शुल्क नहीं भरने पर उन सभी सदस्यों की सदस्यता रद्द हो सकती है। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता सुनील कनौजिया की इस खास रिपोर्ट पर। जब जब मुंबई महानगर में उत्तर भारतीयों के ऊपर अन्याय हुआ, तब तब आठवले साहब ने आवाज़ उठाई और परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मार्ग को हमेशा उनके रास्ते पर जो चलने का काम करते हैं, हमेशा दलित शोषित पीड़ित और हर समाज के लिए जो आवाज़ उठाते हैं उनके आवाज़ पसंद है, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी में उत्तर भारतीय समाज विश्वास कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की यह सौभाग्य है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर सत्ता में जाना है तो उत्तर भारतीयों को साथ में लेना जरूरी है। उत्तर भारतीय ही समाज ऐसा है कि हर पार्टी को सत्ता में भेजती है, ये मेन जो है सत्ता की धुरी है। रिपब्लिकन पार्टी जिस पार्टी में उत्तर भारतीय जुड़ेंगे वो पार्टी सत्ता में जाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो उत्तर भारतीयों की वजह से सत्ता में गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो उत्तर भारतीयों की वजह से सत्ता में गई, चाहे शिवसेना हो उत्तर भारतीयों की वजह से, मराठी भाषी उनके साथ भले ही ज़्यादा हैं, मराठी भाषियों का मुद्दा वो उठाते हैं, मराठी भाषियों का भी अधिकार है, मराठी भारसी भी स्वतंत्र हैं, उनका उनके समाज के लिए आवाज़ उठाना लाजमी है। लेकिन उत्तर भारतीय समाज जब उनको पसंद किया तो वो भी सत्ता में गए। आज उसी तरह से आठवले साहब का जो नेतृत्व है उत्तर भारतीय समाज की पसंद की बात है, पसंद का काम है उनका, इसलिए उत्तर भारतीय समाज ज़्यादा से ज़्यादा रिपब्लिकन पार्टी में जुड़ रहा है। और मैं तो आठवले साहब के साथ में 30 बरस पूरा किया, अभी 31 बरस चालू है। राजन मुरारी यादव प्रभात चाल क्रांति नगर के रहवासी हैं, आज वो जुड़े हैं रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। अपने शंकर सिद्धेश्वर गुप्ता उत्तर भारतीय आघाड़ी उत्तर पश्चिम जिला के सचिव हैं, उनके माध्यम से राजन मुरारी यादव रिपब्लिकन पार्टी में आए। रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से आठवले साहब के तरफ से मैं राजन मुरारी यादव को हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी जो राजनीतिक आज के बाद राजनीतिक जो चाल होगा उसके लिए मैं शुभेच्छा देता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम शंकर गुप्ता है, आरपीआई से उत्तर भारतीय आघाड़ी जिला सचिव बनाया गया है। आज अपना एक सदस्य आरपीआई में राजन यादव को जोड़ा हूँ और हरिहर चाचा मेरे को जोड़ने के लिए काम सौंपा है, तो मेरे को जहाँ तक रहेगा आरपीआई में मैं जोड़ता रहूँगा और मुझे सभी सदस्य सभी पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि अपना फीस भरने का कृपया कष्ट प्रदान करें। अगर टाइम टेबल अपना सदस्य का फीस नहीं भरेगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा।